Hello and welcome. In this video we are going to talk about cancer. What is cancer? तो cancer की कुछ डिटेल आपके सामने दे रखी है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर cancer जो होता है बेटा, वो एक टाइप का abnormal uncontrolled growth है किसी भी सेल की। कैसे होता है से cancer? पेन ले लेते अपन। किसी भी एबनॉर्मल जो सेल है, कोई भी सेल हो आपकी बॉडी का, कोई भी सेल हो, अगर उसकी ग्रोथ जो है अनकंट्रोल्ड हो गई है और एबनॉर्मल हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक सेल है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड कर रहा है, एक सेल से दो सेल, दो से चार ऐसे सेल्स बनेगी, चार से फिर आठ बनेगी, है ना। तो इस टाइप से वो सेल्स डिवाइड हो रही है। पर क्या हो कि अगर देखो कैपेसिटी के हिसाब से उसको कितनी सेल्स की रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं आठ सेल की, तो आठ सेल यहाँ पर डेवलप कर ली। लेकिन अगर क्या हो, ये आठ सेल के बाद भी ना रुके, आठ के बाद सोलह, सोलह के साथ बत्तीस, बत्तीस के बाद चौंसठ, सिक्सटी फोर, यानी कि अब इस टाइप से अगर वो सेल डिवाइड होती जाए तो क्या होगा, जैसे एक सेल फिर दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ऐसे बहुत सारी सेल्स बनती जा रही। तो देखो आप, मल्टीपल सेल्स एक ही जगह फॉर्म हो रही है, तो क्या बन गया, ये एक टाइप का क्या बन गया, लंप बन गया। क्या बन गया बेटा? लंप। लंप इन द सेंस गांठ, एक टाइप की गिठान या फिर गांठ बन गई। और ये गांठ को ही हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ट्यूमर। इंग्लिश में गांठ को क्या बोलते हैं, लंप को क्या बोलते हैं, एक और वर्ड क्या है, ट्यूमर। एक टाइप का ट्यूमर फॉर्म कर लेते हैं और इसी ट्यूमर को हम बोलते हैं कैंसरस सेल। ठीक है, यानी कि ऐसी सेल जो अपने कंट्रोल जो ग्रोथ होती है उसकी कंट्रोल को खो चुकी है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ पे चला गया है। अब वो सिर्फ डिवाइड कर रही है, रुकी ही नहीं जा रही है, रुकी ही नहीं रही है। इसका मतलब वहाँ पर क्या हो गया, कैंसरस सेल आ चुकी है। ठीक है, थोड़ी जगह खाली कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, कैंसर हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, तो डैमेज्ड सेल डिवाइड टू फॉर्म लम्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड द ट्यूमर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दी वो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, दो तरह के ट्यूमर होते हैं बेटा, टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर एग्जिस्ट, टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, कैंसर सेल के ट्यूमर दो तरह के, एक तो होता है बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर, देखो चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही है तो बोल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमारे पास सब फंक्शन अवेलेबल है। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे जी, अब दिख रहा होगा बढ़िया लेवल पे। आप चाहो तो और बड़ा कर देंगे, और बढ़िया लेवल पे दिखेगा। ठीक है, तो दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स। ठीक है, क्या है, एक तो है बेनाइन ट्यूमर और एक है मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस ये होता है कि बेनाइन ट्यूमर जो होता है लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर ये बंदा है तो इसके हाथ पर कहीं पे ट्यूमर हुआ है तो वो है हाथ में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो स्प्रेड कर जाएगा, स्प्रेड नहीं करेगा ना, स्प्रेड नहीं करेगा। और साथ में एक ग्रोथ के बाद रुक जाएगा, मान लेते हैं कि इतनी ग्रोथ कर ली, ट्यूमर बन गया, ठीक है बस रुक गया। तो इस टाइप के अगर ट्यूमर बनते हैं तो हम उनको बेनाइन ट्यूमर के अंदर रखते हैं। ठीक है, और डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में वो स्प्रेड नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे। जिस प्लेस पे कैंसरस सेल हैं बस उसी लेवल पर ही वो क्या होंगे, ट्यूमर बनते रहेंगे। तो इस टाइप के ट्यूमर को हम बेनाइन ट्यूमर के अंदर रखते हैं। पर ये जो दूसरा वाला बंदा है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये बड़ा डेंजर है, अनलिमिटेड ग्रोथ देता है, यानी कि अगर इसकी स्पीड हो गई इतना हो गया डन, पर ये इसको भी पार कर करके और बड़ा ट्यूमर बना सकता है। ये बनता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। और ऊपर से एक और इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो ट्यूमर है ये रैपिडली स्प्रेड होता है, कि ह्यूमन बींग के अगर एक पार्ट में, मान लेते हैं कि इसके पाँव में कहीं ट्यूमर हुआ है तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि वो कहीं पर भी जा सकता है, उसके ब्रेन में, उसके माउथ में, उसके हैंड में, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में ये ट्यूमर जा सकता है, फैल सकता है, पार्ट थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ। ये और ये ब्लड के साथ ट्रेवल भी कर सकता है और लिम्फ के साथ ट्रेवल कर सकता है। तो सोचो जो ब्लड में जा सकता है यानी वो पूरी बॉडी में कहीं पर भी वो ट्यूमर फैला सकता है। तो एक बहुत बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो दो तरह के ट्यूमर मैंने अभी डिस्कस किए हैं, याद होना चाहिए, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। चलो बढ़ते हैं अब आगे।